हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल। मैच द फॉलोइंग। एक तरफ आपके विटामिन्स दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड डिजीज़ दी हुई है आपकी, तो हमको करेक्ट मैच बताना है। तो देखिए, विटामिन ए जो की कमी से जो होता है वो ज़ेरोप्थैल्मिया होता है, ये आई संबंधित रोग है, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से ज़ेरोप्थैल्मिया, विटामिन डी की कमी से कुपोषण बोलते हैं जिसको, रिकेट्स, शरीर का कमज़ोर हो जाना, ठीक है, ये रिकेट्स हो गया। विटामिन बी 12 की कमी से आपका जो होता है एनीमिया, एनीमिया मतलब खून की कमी, तो नंबर ऑफ़ आरबीसी काउंट ये कम हो जाते हैं, ये विटामिन बी 12 की वजह से होता है। विटामिन के जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और जब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, ब्लीडिंग होती रहती है, तो ये कंडीशन आपकी हीमोफीलिया कहलाती है, ठीक है, आप ऑप्शन देख लीजिएगा। द वेराइटी ऑफ स्टील, स्टील की ही सारी वेराइटी आपको दी गई है। विच वन इज रेजिस्टेंट टू एसिड, एसिड से के प्रति जो ऐसे रजिस्ट करती है वो कौन सी है वेराइटी स्टील की, तो वो है आपकी स्टेनलेस स्टील, ये वेराइटी जो है एसिड के प्रति रजिस्ट शो करती है। जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट, सिवाय निम्न में से ऐसा कौन सा है जो गुड कंडक्टर और हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, तो ये है आपका बिस्मत, ठीक है। बिस्मत एक मेटल भी है लेकिन एक्सेप्शन भी है, जो हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं है। ट्रांसपीरेशन जो कि एक प्रोसेस है, मैंने इसको प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से वेल डिफाइन किया है, आप देख लीजिएगा, और ये प्लांट से संबंधित होता है। वुड बी मिनिमम, ये कब मिनिमम होगा, व्हेन देयर इज, इसके लिए देखिए, ये अच्छा तब आकार होता है जब हमारे पास सूर्य का प्रकाश या लाइट वगैरह किसी टाइप की हो, आर्टिफिशियल लाइट भी, तो जहाँ पर सनलाइट नहीं होगी वहाँ पर ये सबसे कम आकार होगा, यानी कि ऐसी कंडीशन आपकी ह्यूमिडिटी की बनेगी, हाई ह्यूमिडिटी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विदाउट यूजिंग सॉइल प्लांट्स कैन ऑल्सो बी ग्रोन, ठीक है, जो प्लांट्स हैं वो एक्चुअली सॉइल से क्या न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वाटर लेते हैं, यही सब चीज़ें लेते हैं अपने ग्रो होने के लिए। अगर हम सॉइल का यूज़ ही ना करें तो प्लांट्स तब भी ग्रो हो सकते हैं, किस टाइप के सॉल्यूशन में, तो ये आपका न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होगा। अगर आपके सॉल्यूशन पहले से न्यूट्रिएंट मौजूद है और सॉल्यूशन में वाटर तो रहेगा ही रहेगा, तो वो प्लांट आपका ग्रो हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट विल हैपन टू द टेम्परेचर ऑफ ए क्लोज रूम, एक कमरा है जो बंद है, एंड इफ द रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज है आपका इनसाइड वो स्विच्ड ऑन भी है और उसका डोर खुला हुआ है, तब टेम्परेचर पे रूम के क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पूछना है। तो इस कंडीशन में जो आपका टेम्परेचर होगा वो रूम का बढ़ जाएगा, इट विल राइज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक साइक्लिक एनर्जी और हीट का मोशन होने लगेगा। द सन एंड द मून अपीयर एलिप्टिकल नियर हॉरिजेंटल ड्यू टू, हॉरिजेंटल मीन एट द टाइम ऑफ सेटिंग एंड एट द टाइम ऑफ राइजिंग, जो आपका मून और जो सन है वो एलिप्टिकल दिखता है, किस रीजन से दिखता है, ये दिखता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम पे मल्टीपल रिफ्रैक्शन होता है ऑफ लाइट रे, जितनी भी लाइट रे होती हैं उस टाइम पे उनका बहुत ही ज़्यादा रिफ्रैक्शन अकर करता है। वी कैन डिक्लेयर दैट ए पर्सन इज क्लिनिकली डेड व्हेन देयर इज नो हार्ट बीट, नो लाइफ इन ब्रेन, नो मूवमेंट इन पीपल टू द लाइट, नो पल्स इन पर्सन, नो लाइफ इन ब्रेन, ऑप्शन बी इज दिस, इन दिस कंडीशन वी डिक्लेयर ए पर्सन डेड। एट विच टेम्परेचर विल वाटर बी द हैवीएस्ट, देखिए हैवी होने के लिए वाटर जिस टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी वाटर की, उसी टेम्परेचर पर वो सबसे ज़्यादा हैवी होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर की डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो उसी पर सबसे हैवी भी होगा, ऑप्शन बी करेक्ट। हाउ मेनी चैम्बर्स डज ए काउ स्टोमक हैव, जो गाय का पेट होता है, काउ का स्टमक, वो रूमिनेंट स्टमक होता है, रूमिनेंट स्टमक होता है, जितने भी जानवर होते हैं जो चरने वाले होते हैं उनका स्टमक हमेशा रूमिनेंट रहता है, ठीक है, तो इसमें 4 कंपार्टमेंट होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं देख लीजिए, एक तो आपका होता है रूमेन, ठीक है, और दूसरा आपका होता है रेटिकुलम, रेटिकुलम, और एक होता है ओमेसम, ओ मैसम, एक होता है एबोमेसम, हर किसी कंपार्ट का अपना अलग अलग काम होता है। द परसेंटेज ऑफ सिल्वर प्रेजेंट इन द एलॉय जर्मन सिल्वर इज, जर्मन सिल्वर में Ag कितना होता है सिल्वर,
जीरो होता है, ऑप्शन डी। ये कुछ इस टाइप के अलॉय रहते हैं जिसमें जो चीज़ पूछी जाती है वो जीरो रहती है, जैसे जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना है, लेड पेंसिल में लेड कितना है वो भी जीरो होता है। टू कंडक्टिंग पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, दो पैरेलल वायर्स हैं कंडक्टिंग जिनमें करंट का जो फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज़ द लार्जेस्ट फ्लावर, रेफ्लेजिया। द हार्ड सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी में जो सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है वो आपके दांत के ऊपर जो लेयर होती है वह शाइनिंग सी लेयर वाइट कलर की, वो जिसको हम इनेमल बोलते हैं, टूथ एनेमल। इन एन एटॉमिक एक्सप्लोजन इनॉर्मस एनर्जी, जो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है वो किस कारण से होती है एटॉमिक एक्सप्लोजन के दौरान, तो वो इसलिए होती है जो आपका मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इमल्शन एक्चुअल में क्या होता है, इमल्शन एक सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन मतलब मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, दो लिक्विड्स का जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। इफ़ ए पेपर रैप्ड टाइटली अराउंड द जॉइंट ऑफ ए ब्रास ट्यूब, ब्रास ट्यूब के जॉइंट पे अगर उसको टाइटली बांध दिया जाए, लपेट दिया जाए, एंड इट्स वुडन हैंडल, और जो उसका लकड़ी का हैंडल है इज पुट इन फ्लेम, उसको फ्लेम में रख दिया जाए, देन द पेपर विल बी, तो जो जॉइंट के पास वाला पेपर होगा वो बर्न हो जाएगा। क्यों बर्न हो जाएगा, क्योंकि जो पेपर है वो फ्लेमेबल है, ज्वलनशील है, तो बर्न अराउंड द ट्यूब, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द बर्नौलीज प्रिंसिपल, इसको आपने अपने 11th 12th में पढ़ा होगा, तो ये है बंसन बर्नर जो आपका बर्नौली के प्रिंसिपल पे काम करता है। क्लोव लॉन्ग इज ए, वो क्या है, वो एक फ्लावर बर्ड है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप लॉन्ग को देखेंगे तो आपको दिखेगा कली की तरह खिला हुआ, एकदम फ्लावर बर्ड की तरह। द वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जो ग्रेविटी आपकी होती है वो जीरो होती है, तो किसी भी बॉडी का वेट के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, एम होगा, तो बॉडी जो होगी उसका मास तो रहेगा ठीक है, लेकिन जब ग्रेविटी जीरो हो जाएगी तो उसका वेट भी जीरो हो जाएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बॉयस बॉक्स ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स में जो बॉयस बॉक्स होता है उसका क्या नाम होता है, तो वर्ड्स में जो आपका रहता है सेरिंग्स रहता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, और ह्यूमंस में जो रहता है वो आपका लैरिंग्स रहता है, ये आपका ह्यूमंस में रहता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ व्हेल इज, जो व्हेल फिश होती है उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, वो लंग्स होता है, लंग्स के जरिए वो सांस करती लेती है श्वसन। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द, ये ब्रेन के एंड पर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होती है, लोकेशन इसकी होती है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड ठीक है, और एक और होता है जिसको हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, तो मास्टर ग्लैंड तो आपकी कौन सी हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसकी भी मास्टर तो ये होती है आपकी हाइपोथैलमस, हाइपोथैलमस ग्लैंड, और ये दोनों ही आपकी ब्रेन से संबंधित हैं जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करती हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई रिजल्ट्स इन, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये आपका होता है लॉस ऑफ फर्टिलिटी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्कर्वी सी की कमी से होता है विटामिन, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, और बेरीबेरी विटामिन बी, और बी में भी ये बी वन से होता है। द एनिमल विच यूजेस ट्यूब फीट फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन आपने चलने के लिए ट्यूब फीट का इस्तेमाल कौन सा जानवर करता है, तो ये आपका स्टारफिश करती है, ऑप्शन डी करेक्ट, स्टारफिश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज कंटेन्ड इन द मोनाजाइट सैंड्स, मोनाजाइट सैंड्स ये जनरली आपकी केरला में पाई जाती हैं, तो मोनाजाइट सैंड होती है उससे आपको कौन सा मिनरल जो मिलता है, उसमें आपको थोरियम मिलता है, ऑप्शन सी। द इनर्ट गैस विच इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, जो बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स बना सकती है, तो वो ये सारी ही आपकी इनर्ट गैस दी हैं, इसमें जेनॉन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कार्बन,
रस्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, रस्ट, क्योंकि ये आयरन का ऑक्साइड होता है तो इसमें कार्बन होता ही नहीं है। विच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज फॉर मेकिंग ऑप्टिकल ग्लास, जो हम लोग ये चश्मे वगैरह पहनते हैं उस ग्लास के लिए, ऑप्टिकल ग्लास के लिए कौन सा ग्लास यूज किया जाता है, तो आपका फ्लिंट ग्लास यूज किया जाता है। ऐसा कौन सा जीव है जो गिल्स, लंग्स और स्किन तीनों से ही सांस लेता है, ऑप्शन बी फ्रॉग। जब ये अपने एडल्ट और बेबी फॉर्म में होता है, जब बेबी फॉर्म में होता है तो ये गिल्स से सांस लेता है, और जब एडल्ट हो जाता है तब ये लंग्स और स्किन से सांस लेता है। द वेट ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी इज, किसी भी बॉडी का वेट जो उस जो बॉडी जिस लिक्विड में तैर रही है या फ्लोट कर रही है उस सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है कि वो लिक्विड किस टाइप का है। तो हर लिक्विड की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है ना, तो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड इन विच इट इज इमर्स्ड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर इज जनरली मेजर इन, जो ह्यूमन हेयर की थिकनेस है वो माइक्रोन में मापी जाती है, ऑप्शन ए। इन नॉर्मल इलेक्ट्रिक डोरवेल बी यूज यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऑप्शन सी। विच टाइप ऑफ लेंस इज यूजली प्रिस्क्राइब टू द पीपल सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस निकट दृष्टि दोष से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसको, उसका ये दोष किस लेंस से दूर किया जा सकता है, तो ये आपका कॉनकेव लेंस से किया जा सकता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और अगर फार साइटेडनेस होगी मतलब दूर दृष्टि दोष होगा तो वो आपका कॉन्वेक्स लेंस है। कैसे याद करें, शॉर्ट वाला ये मान लीजिए शॉर्ट और केव, जो आपकी केव है वो शॉर्ट है तो कॉनकेव, वरना तो पूरा मैंने आपको समझाई है पीछे वाले लेक्चर्स में। लीवर रॉट इज कॉज्ड बाई, लीवर रॉट को हम फैसियोलोसिस के नाम से भी जानते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, लीवर रॉट और फैसियोलोसिस। एक्चुअल में ये होता क्या है, ये एक पैरासिटिक वॉर्म इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जो एक पैरासाइट की वजह से होता है, किसके, फैसियोला, ऑप्शन सी इज करेक्ट, आप इसके नाम से ही देख सकते हैं फैसियोला। प्रो कन्वर्टिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ऑप्शन ए। इफ द फिलामेंट करंट ऑफ ए कूलिश ट्यूब इज इंक्रीज्ड, अगर उस कूलिश ट्यूब में फिलामेंट करंट जो है वो बढ़ा दिया जाए, एक्सरे इमिटेड फ्रॉम इट विल बी ऑफ ग्रेटर, तो जो एक्सरेज एमिट होंगी वो भी ज़्यादा इंटेंसिटी की रिलीज होंगी, एमिट होंगी, तो उसकी इंटेंसिटी जो बढ़ जाएगी, ऑप्शन डी। द आइडिया ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन आइटम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई, ये आपका फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था बोर के द्वारा, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे रहता है, चार्ज अपोजिट रहता है, प्रोटॉन पॉजिटिव रहता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रहता है, लेकिन सेम चार्ज रहता है। इन आइसोबारिक प्रोसेस विच पैरामीटर रिमेंस कॉन्स्टेंट, बार का मतलब ही प्रेशर होता है, ऑप्शन सी। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डीबी, डेसिबल स्केल, एंड द थ्रेशहोल्ड ऑफ हेयरिंग इज, थ्रेशहोल्ड ऑफ हेयरिंग का मतलब है मिनिमम साउंड दैट कैन बी हेयर, ऐसा सब मिनिमम साउंड जिसको हम सुन सकें तो वो है 0 डेसिबल, ऑप्शन सी। पैन इज ए पॉल्यूटेंट एयर, द फुल, ये फॉइल नहीं फुल है, फुल नेम ऑफ पैन इज पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ऑप्शन ए। रिपीटेड एक्सपोजर टू स्मॉल कंसेंट्रेशन ऑफ ए टॉक्सिक एजेंट रिजल्ट्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम एक छोटा सा टॉक्सिक एजेंट कोई है वो पीरियड वाइज धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट होता जाता है, फिर दूसरे में गया एक्यूमुलेट हो गया, फिर चौथे में गया, ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, सब PYP के साइंस के मैंने आपको अच्छे से बताया, ये आपका बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। विच वन ऑफ द एलिमेंट्स इज नॉट कंसिडर्ड एज इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट फॉर द बायोस्फेयर, बायोस्फेयर में कौन सा जो इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है जो नहीं मिलता है, वो है आपका सेलेनियम, ठीक है, ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। द कलर ऑफ पोटेशियम फ्लेम, जो फ्लेम जिसमें पोटेशियम की जो फ्लेम होती है थ्रू डबल ग्लास, अगर हम उसको ब्लू ग्लास जो आपका है ब्लू ग्लास से देखें, डबल ब्लू ग्लास से, तो उसका कलर आपको कैसा दिखेगा, तो वो आपको वायलेट कलर का दिखेगा।
ड्राई आइस जो शुष्क बर्फ जिसको बोलते हैं वो होती है आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, आग बुझाने के काम। पॉइजनिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज कॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जब आपके ड्रिंकिंग वाटर में आर्सेनिक आने लगता है तो आपका जो ड्रिंकिंग वाटर है वो पॉइजनस हो जाता है, ऑप्शन डी। विच इज एन ओर ऑफ डोलोमाइट, डोलोमाइट किसका अयस्क है, ये मैग्नीशियम का एक अयस्क है, ऑप्शन बी। इसको हम कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, CaMgCO3 का होल्ड ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला रहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स सोज बीबी पेरी, बीबी पेरी एक कंडीशन होती है जिसमें बिना प्लांट से जो पेरेंट प्लांट है आपका उससे डिटैच हुए, बिना डिटैच हुए उसके एक बीज से, बीज की जो कोटिंग होती है उसको तोड़कर एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है, और वो भी उस कंडीशन में जब वो उस जो मेन प्लांट है उससे डिटैच नहीं हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि प्लांट का सीड कहीं और जाके गिरा फिर उससे डेवलप हो रहा है, ऐसा नहीं, ये अभी उसी ओरिजिनल ओरिजिनल जो उसका प्लांट है उसी से अटैच है और उसके बावजूद ये मतलब नया प्लांट जनरेट होने लगता है। तो ये जो होता है ये आपका होता है राइजोफोरा में। सिल्वर फिश इज इंक्लूडेड इन द फाइलम, किस एनिमल फाइलम में सिल्वर फिश को इंक्लूड किया जाता है, तो ये आपका आर्थ्रोपोडा में आता है, ऑप्शन बी।